वेलकम बच्चों, मैं दुलार चंदास एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है हमारा ये चैनल एक एजुकेशनल चैनल है और इस चैनल में बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, कई सारे वीडियो आ चुके हैं, तो आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपनी पढ़ाई में मदद लीजिए। तो आज हम लोग चैप्टर 2, ये क्लास 5 की इंग्लिश बुक है और आज हम लोग इसकी पढ़ाई करेंगे। चैप्टर का नाम है द पपेट। द पपेट इसका अर्थ होता है गुड्डा या गुड़िया। आइए हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो देर वाज ए काइंड किंग। बहुत समय पहले एक दयालु राजा रहता था। हिज नेम वाज राजेंद्र। उसका नाम राजेंद्र था। ही हैड ए सन नेम्ड हिमांशु। उसका एक बेटा था जिसका नाम हिमांशु था। When the king grew old, he wanted to make his son the future king of the state. जब राजा बूढ़ा हो गया तो वह अपने बेटे को राज्य का अगला राजा बनाना चाहता था। He called on all his ministers. वह अपने सभी मंत्रियों को बुला लिया। After discussion, it was announced. सभी से चर्चा करने के बाद घोषणा करता है That the prince will be crowned on an auspicious day. घोषणा करता है कि राजकुमार का एक शुभ दिन देखकर राज्याभिषेक किया जाएगा। The news spread in the state like fire in jungle. यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गया। People were also happy. सभी लोग बहुत खुश थे। They were going to get a new king. उन लोगों को एक नया राजा मिलने जा रहा था। The preparation was going on in the palace. राजमहल में तैयारियां चल रही थी। It was decorated as a new bride. इसे एक नई दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। Roads were being clean. सड़कों को साफ किया जा रहा था। People started whitewashing their houses. लोग अपने घरों को whitewashing करवा रहे थे। There was a great joy everywhere. सभी जगह खुशियाँ ही खुशियाँ थी। Amidst all this preparation, सभी तैयारियों के बीच one day राजगुरु came to the palace. एक दिन राजगुरु महल में आ जाते हैं। The king stood up from his throne and touched the feet of राजगुरु। राजा अपने सिंहासन से उठ जाते हैं और राजगुरु के चरणों को छूते हैं। He was provided a seat higher than the king. वे उनको अपने से अधिक ऊंचे सीट बैठने के लिए प्रदान करते हैं। The king said, राजा कहते हैं, It is our pleasure you have come here. ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आप यहाँ पे आए। I request you to stay with us for some days. मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप हमारे साथ कुछ दिन रुकें। The prince is going to be crowned after a week. राजकुमार को एक सप्ताह के बाद राज्याभिषेक किया जा रहा है। राजगुरु said, I cannot stay here for so many days. राजगुरु ने कहा कि मैं यहाँ पे अधिक दिनों तक नहीं रुक सकता। I am going to the Himalayas. मैं हिमालय जा रहा हूँ। When I hear this news, I came here to meet you. जब मैंने यह खबर सुना, मैं आपसे मिलने के लिए आ गया। प्लीज ब्लेस द प्रिंस विथ योर गाइडलाइंस सो दैट ही मे सर्व द स्टेट इन ए बेटर वे। कृपया करके आप राजकुमार को आशीर्वाद दीजिए और उनका मार्गदर्शन कीजिए ताकि वो इस राज्य की बेहतर तरीके से सेवा कर सके। राजा ने कहा। राजगुरु फिर बोले, राजगुरु सेड, आई हैव ब्रॉट ए यूनिक गिफ्ट फॉर द प्रिंस। राजगुरु ने कहा, मैंने राजकुमार के लिए एक अनोखा तोहफा लाया है। इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर हिम। यह उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। द प्रिंस वाज ईगर टू सी द गिफ्ट ऑफ राजगुरु। राजकुमार राजगुरु का तोहफा देखने के लिए अधीर हो उठे। हैप्पीनेस कुड बी सीन ऑन हिज फेस। उनके चेहरे से खुशी झलक रही थी। He was waiting passionately for the gift.
वह बहुत ही अधीरता से तोहफे का इंतजार कर रहा था। राजगुरु पुट हीज हैंड इन टू हिज बैग एंड टुक आउट 3 पपेट्स। राजगुरु ने अपना हाथ अपने थैले में डाले और 3 पपेट्स निकाले। ही सेड, उन्होंने कहा, प्रिंस हिमांशु, कम एंड टेक दिस गिफ्ट। राजकुमार हिमांशु, आओ और इस गिफ्ट को लो। इट इज़ ए गिफ्ट फॉर द फ्यूचर किंग ऑफ दिस स्टेट। यह गिफ्ट राज्य के होने वाले राजा के लिए है। द प्रिंस एक्सेप्टेड द गिफ्ट ग्रेसफुली। राजकुमार ने सम्मानपूर्वक उस गिफ्ट को ले लिया। बट ही वॉज परप्लेक्स्ड वाई राजगुरु गेव हिम पपेट्स। लेकिन वह उलझन में था कि राजगुरु इस प्रकार के पपेट्स उन्हें क्यों दे रहे हैं। ही सेड, आई एम नॉट ए चाइल्ड। उसने कहा, मैं एक बच्चा नहीं हूँ। वट विल आई डू विथ दिज पपेट्स। आखिर मैं इस पपेट के साथ क्या करूँगा। देर इज़ नो यूज ऑफ पपेट्स फॉर मी। यह पपेट्स मेरे लिए कोई काम का नहीं है। राजगुरु स्माइल्ड एंड पुट हिज हैंड इन टू द बैग अगेन। राजगुरु मुस्कुराए और अपने हाथ फिर अपने बैग में डाले। दिस टाइम देर वॉज ए स्ट्रिंग इन हिज हैंड। इस बार उनके हाथ में एक तार था। ही गेव द स्ट्रिंग टू द प्रिंस। उन्होंने वह तार राजकुमार को दिया। द प्रिंस टुक द स्ट्रिंग। राजकुमार उस तार को ले लिए। ही वॉन्टेड टू नो वट टू डू विद द स्ट्रिंग। वह जानना चाहता था कि उस स्ट्रिंग से क्या किया जाए। राजगुरु सेड, राजगुरु ने कहा, वॉच दीज पपेट्स केयरफुली, कि इन पपेट्स को ध्यानपूर्वक देखो। देर इज ए हॉल इन द ईयर ऑफ ईच पपेट। इन सभी पपेट्स में इनके कान में छेद है। पास दीज स्ट्रिंग थ्रू द पपेट्स। इस स्ट्रिंग को उनके कान से पास करो। दाव द प्रिंस वॉज नॉट मच इंटरेस्टेड। हालांकि राजकुमार इसमें बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे। ही ओबेड राजगुरु। वह राजगुरु की आज्ञा का पालन कर रहा था। ही पुट द स्ट्रिंग इन टू द ईयर ऑफ फर्स्ट पपेट। उसने स्ट्रिंग फर्स्ट पपेट के कान में डाला। द स्ट्रिंग केम आउट फ्रॉम द अदर ईयर। तार जो है वो दूसरे कान से निकल गया। देन राजगुरु एक्सप्लेन। राजगुरु ने बतलाया, दिस इज वन टाइप ऑफ पर्सन। यह एक प्रकार का व्यक्ति होगा। वट एवर यू से टू हिम इट कम्स आउट फ्रॉम द अदर ईयर। कि जो कुछ भी तुम उससे कहोगे वह दूसरे कान से निकाल देगा। ही हैज़ नो कैपेसिटी टू रिटर्न एनीथिंग। उसमें ऐसी क्षमता नहीं होगी कि वह उन बातों को अपने दिमाग में रख सके। द प्रिंस टुक द सेकेंड पपेट। राजकुमार ने दूसरा पपेट लिया। ही पुट द स्ट्रिंग इन टू द ईयर ऑफ द सेकेंड पपेट। वह फिर से तार को दूसरे पपेट के कान में डालता है। द स्ट्रिंग केम आउट फ्रॉम द माउथ। इस बार वह तार उसके मुंह से निकल जाता है। द प्रिंस आस्क्ड, व्हाट डज इट मीन राजगुरु। राजकुमार पूछता है कि राजगुरु इसका क्या मतलब है। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ पर्सन। यह दूसरे प्रकार का आदमी है। इफ यू टेल हिम एनीथिंग ही टेल्स अदर अबाउट इट। अगर यदि तुम इसे कुछ कहते हो तो वह सारा कुछ किसी और से कह देता है। ही कैन नॉट होल्ड एनी वर्ड इन हिज माइंड। वह किसी भी बात को अपने दिमाग में नहीं रख सकता। राजगुरु ने कहा, द प्रिंस वॉज रेडी टू पुट द स्ट्रिंग इन टू द ईयर ऑफ द थर्ड पपेट। राजकुमार तैयार था तीसरे पपेट के कान में स्ट्रिंग डालने के लिए। वेन द प्रिंस डिड सो द स्ट्रिंग डिड नॉट कम आउट फ्रॉम एनी साइड। जब राजकुमार ने ऐसा किया तो वह तार पपेट के किसी भी भाग से बाहर नहीं निकला। द प्रिंस कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। राजकुमार कुछ भी समझ नहीं पाया।
ही वॉज वॉचिंग द फेस ऑफ राजगुरु, वह राजगुरु की चेहरे की ओर देखता रहा। ही वॉन्टेड टू नो द क्वालिटी ऑफ द थर्ड पपेट, वह तीसरे पपेट की क्वालिटी के बारे में जानना चाहता था। राजगुरु टोल्ड द प्रिंस, राजगुरु ने राजकुमार को बतलाया, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ पर्सन, यह तीसरे प्रकार की आदमी है। वॉट एवर यू टेल हिम इट रिमेंस विद इन हिम, जो कुछ भी तुम उसे कहोगे वह अपने तक ही सीमित रखेगा, वह अपने अंदर रखेगा। इट विल नेवर कम आउट, वह कभी भी इसे बाहर नहीं आने देगा। द प्रिंस आस्ट, हु इज द बेस्ट टाइप ऑफ पर्सन फॉर ए किंग, राजकुमार ने पूछा, किस तरह का व्यक्ति एक राजा के लिए सबसे अच्छा रहेगा। राजगुरु डिड नॉट रिप्लाई, राजगुरु ने कोई उत्तर नहीं दिया। वंस अगेन ही पुट हिज हैंड इन टू हिज बैग, एक बार फिर उसने अपना हाथ बैग में डाला। दिस टाइम ही हैड वन मोर पपेट इन हिज हैंड, इस बार उनके हाथ में एक और पपेट था। ही गेव इट टू द प्रिंस एंड टोल्ड हिम टू डू द सेम विद द पपेट, उन्होंने इसे राजकुमार को दिया और उससे कहा कि जो दूसरे पपेट के साथ किया था वही इसके साथ भी करो। द प्रिंस पुट द स्ट्रिंग इन टू द ईयर ऑफ द फोर्थ पपेट, राजकुमार तार को लेकर चौथे पपेट के कान में डालता है। इट केम आउट फ्रॉम द अदर ईयर, यह दूसरे कान से निकल आता है। राजगुरु आस्क द प्रिंस टू रिपीट द प्रोसेस, राजगुरु ने राजकुमार को फिर से वही प्रक्रिया करने के लिए कहा। सेकेंड टाइम द स्टिंग केम आउट फ्रॉम द माउथ, दूसरी बार वह तार उसके मुंह से निकल आता है। व्हेन द प्रिंस पुट द स्ट्रिंग इन टू द ईयर थर्ड टाइम, जब राजकुमार ने तार को तीसरी बार उसके कान में डाला, इट डिड नॉट कम आउट, तो यह कहीं से भी बाहर नहीं आया। द प्रिंस वॉज एस्टोनिस्ड एट इट, राजकुमार इस पर आश्चर्यचकित रह गया। राजगुरु सेड, राजगुरु ने कहा, दिस इज द बेस्ट टाइप ऑफ पर्सन, यह सबसे अच्छे प्रकार का व्यक्ति है। ए मैन हु नोज व्हेन नॉट टू लिसन, एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि कब उसे नहीं सुनना है, व्हेन टू रिमेन साइलेंट, कब उसे चुप रहना है, एंड व्हेन टू स्पीक इज ट्रस्टवर्दी, और कब उसे एक भरोसेमंद व्यक्ति के पास बोलना है। द प्रिंस गॉट द मोस्ट प्रीशियस लेसन ऑफ हिज लाइफ, राजकुमार अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीखा। राजगुरु ब्लेस्ड द प्रिंस एंड डिपार्टेड फ्रॉम द पैलेस, राजगुरु ने राजकुमार को आशीर्वाद दिया और महल से बाहर चले गए। द प्रिंस ऑलवेज रिमेंबर्ड द वर्ड ऑफ राजगुरु, राजकुमार राजगुरु के वचनों को हमेशा याद रखें। ही बिकेम ए वेरी सक्सेसफुल किंग, वे एक बहुत ही सफल राजा बने, वह अपने न्याय के लिए लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हुए। यह चैप्टर 2 यहाँ पर समाप्त हो जाता है और इसमें कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। यह इस चैप्टर का क्वेश्चन है, अभी मैं आप लोगों को इसके आंसर बना के दिखाता हूँ। क्लास 5 चैप्टर 2 का यह क्वेश्चन आंसर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई डिड द किंग कॉल ऑन हिज मिनिस्टर्स, द किंग कॉल्ड ऑन हिज मिनिस्टर्स टू मेक हिज सन द फ्यूचर किंग ऑफ द स्टेट, व्हाट डिड द किंग डू व्हेन राजगुरु केम टू द पैलेस, व्हेन राजगुरु केम टू द पैलेस द किंग स्टूड अप फ्रॉम हिज थ्रोन एंड टच्ड द फीट ऑफ राजगुरु, व्हाट डिड द किंग रिक्वेस्ट राजगुरु, द किंग रिक्वेस्टेड राजगुरु टू स्टे विद देम फॉर सम डेज, व्हाई डिड राजगुरु नॉट स्टे इन द पैलेस, राजगुरु डिड नॉट स्टे इन द पैलेस बिकॉज ही हैड टू गो टू द हिमालयाज, हु इज द बेस्ट टाइप ऑफ पर्सन, द बेस्ट टाइप ऑफ पर्सन इज द मैन हु नो व्हेन नॉट टू लिसन, व्हेन टू रिमेन साइलेंट एंड व्हेन टू स्पीक। हाउ मेनी पपेट्स डिड द प्रिंस गेट, द प्रिंस गॉट 4 पपेट्स।
क्वेश्चन नंबर टू में एस नो दिया हुआ है, तो मैंने इसे डायरेक्ट आंसर दे दिया है। आप इसके क्वेश्चन अपने बुक से देख सकते हैं, एस नो नो इस तरह से करके दिया हुआ है। और नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स, सूटेबल वर्ब्स में दिया हुआ है, यह क्वेश्चन आप अपने बुक से देख लेंगे और मैंने इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर फाइव, मैच द कॉलम ए एंड कॉलम बी, इसे मैच करने के लिए दिया गया है, मैंने नंबर लगा दिया है इसमें, जैसे कि ए का फाइव बी का फोर, इस तरह से आप क्वेश्चन अपने बुक से देख लेंगे। और सिक्स नंबर में राइट कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पे मैंने सारा लिख दिया है, आप अपने बुक से मिलाकर इसको बना सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर चैप्टर टू पूरी तरह समाप्त हो जाता है और इसके आगे हम लोग पढ़ाई करने के लिए अगले वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग अगले वीडियो में चलते हैं।